हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे, आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित लेसन 1.1 परिमेय संख्याएं। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि योज्य प्रतिलोम जो है वह संख्या होगा जिससे दिए गए संख्या को घटाने पर हमारा जवाब जीरो होगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर संख्या दिया हुआ प्लस में है तो हम उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में लिखेंगे, और अगर दिया गया संख्या माइनस में तो उसका योज्य प्रतिलोम हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पहला नंबर में है 2/3, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -2/3। दूसरे नंबर में है 25/9, यह संख्या प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस में होगा -25/9। तीसरे नंबर में है -16, यह संख्या माइनस में तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस में होगा तो यह होगा 16। चौथे नंबर में है -15/8, यह संख्या माइनस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस में होगा तो इसका जवाब होगा 15/8। पांचवा सवाल है 0, इसका योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा क्योंकि 0 कभी भी माइनस में नहीं होता है। छठा नंबर में है -5/-7। यहां ध्यान रखेंगे, जब किसी परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों ही माइनस में हो तो वह संख्या प्लस में होता है, अतः इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वह -5/7 होगा। सातवें नंबर में है 13/-5, तो यह संख्या भी माइनस में आता है, इसका योज्य प्रतिलोम प्लस में आएगा 13/5। आठवां नंबर सवाल है -2/15, यह संख्या माइनस में आता है, इसका योज्य प्रतिलोम 2/15 होगा। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। यहाँ पर दिया हुआ संख्या है और उसका गुणन प्रतिलोम हमें लिखना है। जैसा कि पहला नंबर में लिखा हुआ है, -13 का गुणन प्रतिलोम 1/-13 है। यहाँ पर गुणन प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए हम परिमेय संख्या के अंश को हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे। जैसा कि अगला संख्या है 5/4, तो इसका गुणन प्रतिलोम 4/5 होगा। इसी प्रकार अगला संख्या है 4/-7, तो इसका गुणन प्रतिलोम -7/4 होगा। अगला सवाल है -5/8, इसका गुणन प्रतिलोम -8/5 होगा, और आप चाहे तो इसका माइनस हटा भी सकते हैं, 8/5 भी होगा, क्योंकि जब -1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगा, तो यह हो जाएगा 8/5। अगला जो है संख्या वह है -1, तो इसका गुणन प्रतिलोम -1 ही होगा। तीसरा सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला में है 4/3 + 3/5 - 2/3 - -11/5। तो यहां दिए गए सभी परिमेय संख्याओं के हर का हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, जो कि होगा 3/5 का लघुत्तम समापवर्तक 15। अब पहला जो इसमें संख्या है 4/3 के 3 से जब हम 15 को भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। अब उस 5 से हम ऊपर वाले 4 से गुना कर देंगे तो वह होगा 5 का 20। जोड़ का निशान देंगे, अब हम 3/5 के 5 से जब 15 को भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो इस 3 से हम ऊपर वाले 3 से गुना कर देंगे तो वह होगा 3 * 3 = 9। तो हम करेंगे 20 + 9, फिर जोड़ का निशान देंगे, अब -2/3 के 3 से हम 15 को भाग देंगे तो यह 5 बार में कटेगा, 3 * 5 = 15। अब उस 5 से हम ऊपर वाले -2 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा -2 * 5 = -10। तो हम यहाँ लिखेंगे +-10, फिर हम प्लस का निशान देंगे, अब -11/5 के 5 से हम 15 को भाग देंगे जो कि 3 बार में कटेगा, उस 3 से हम -11 को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -33। इस प्रकार ऊपर में आया 20 + 9 + -10 + -33। यहां हम 20 और 9 को एक साथ जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा
29 और -10 और -33 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -43। तो जब हम -43 में से 29 को जो है जोड़ करके हटाएंगे तो यह हो जाएगा -14/15। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 29 जो है प्लस में है और 43 जो है माइनस में है, तो हम बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, लेकिन जिस संख्या का निशान जो है प्लस अथवा माइनस बड़ा रहता है उसे ही हम लगाते हैं। अतः हमने 43 में से 29 को तो घटा दिया, लेकिन 43 का जो चिन्ह है वह है माइनस, अतः हमने 14 के साथ माइनस को लगा दिया है। इस प्रकार जो हमारा संख्या प्राप्त हुआ वह है -14/15। दूसरा नंबर में है 2/5 गुना 3/7 -1/6 गुना 3/2 जोड़ 1/14 गुना 2/5। तो यहां हम सबसे पहले 2/5 गुना 3/7 को गुना कर देते हैं, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे 2 × 3 मतलब 6 और नीचे नीचे गुना करेंगे तो 5 × 7 बराबर हो गया 35। इस प्रकार हुआ -6/35। अब हमने माइनस का चिन्ह दिया और 1/6 × 3/2 का जो है हल प्राप्त किया, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 1 × 3 हुआ 3 और नीचे 6 × 2 बराबर हो गया 12। इस प्रकार वह प्राप्त हुआ 3/12। उसके बाद हमने प्लस का निशान फिर से दिया। अब 1/14 × 2/5 को हल करेंगे तो 1 × 2 हुआ 2 और नीचे 14 × 5 बराबर हो गए 70। इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त हुए वह है -6/35 -3/12 +2/70। यहाँ हम 35, 12 और 70 का LCM अथवा लघुतम समापवर्तक ले लेते हैं, जो कि हुआ 420। अब हम 35 से 420 को काटेंगे जो कि 12 बार में कटेगा। अब उस 12 को -6 से गुना कर देते हैं तो यह हो गया -72। अब 3/12 के 12 से जब 420 को भाग देंगे तो यह 35 बार में कटेगा और 35 को जब 3 से गुना करेंगे तो आएगा 105। फिर हमने प्लस का निशान दिया। अब 2/70 के 70 से जब हम 420 को भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा और उस 6 से जब 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 × 2 = 12। इस प्रकार जो हमें प्राप्त हुआ वह है -72 -105 +12/420। -72 और -105 को जोड़ देंगे तो हो गया -177 +12। अब 177 में से 12 को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 165। और चूंकि 177 बड़ा है तो उसका चिन्ह है माइनस, तो हम 165 में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और नीचे में रह गया 420। अब अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 3 से कट रहा है ऊपर नीचे तो हमने उसे काट दिया है, तो 420 जो है 140 बार में और 165 जो है वह 55 बार में कटा है। पुनः ₹140 और ₹55 जो है वह 5 से कट रहा है, तो 140 28 बार में और 55 11 बार में कटा। इस प्रकार जो संख्या हमें प्राप्त हुआ वह है -11/28 और यही हमारा जवाब है। चौथा नंबर सवाल है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है दिए गए संख्या को उलट दें, मतलब अंश को हर कर दें और हर को अंश कर दें, तो यह हो जाएगा 5/18 को वैसे ही छोड़ दिया और -7/72 को उलट दिया तो यह हो जाएगा -72/7। और दोनों को हमें गुना करना है तो बीच में गुना का साइन दिए। अब 72 को हम 18 से काटेंगे तो वह 4 बार में कट गया। इस प्रकार ऊपर में बचा 5 × -4 बराबर हो गया -20/7। यही हमारा जवाब हुआ। पांचवा नंबर सवाल में है -1/3 × ((1/2) / (1/4) -1/3 × (1/2) -1/3 × (1/4) के रूप में कौन सा गुणधर्म है?
तो यहां पर हम जो देख रहे हैं वह है गुना का वितरण नियम। छठा नंबर सवाल है, क्या माइनस एक पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो माइनस एक पूर्णांक 1/8 जो है वह मिश्रित भिन्न में है, तो जब उसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 8 का 8 और 1 9/8 मतलब -9/8 और जब उसे हम गुना करें 8/9 से तो यह जो है कट करके जो है 1 आना चाहिए हमारा जवाब। यहां हम देख रहे हैं कि हमारा जवाब -1 आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 नहीं है। यहां हमें -1 प्राप्त हो रहा है। सातवां नंबर में है, क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो यहाँ 3 पूर्णांक 1/3 को जब हम सरलतम रूप में लाएंगे तो यह हो जाएगा 3 * 9 = 10/3 और जब उसे हम गुना करेंगे 0.3 से तो 0.3 का जब हम दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 3/10। अब 3 और 3 ऊपर नीचे कट गया, 10 और 10 भी कट गया, बच गया 1, तो हमारा जो है जवाब 1 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि जब हम उससे जब हम गुना करते हैं दिए गए संख्या से तो हमारा जवाब जो है वह 1 प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, अतः यह एक गुणात्मक प्रतिलोम है। जबकि पहले वाले सवाल में छठे में हमने देखा था कि हमारा जवाब -1 प्राप्त हो रहा था, अतः वह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं था। आठवां सवाल है, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो पहला नंबर में है -3/4 गुना ब्रैकेट में 2/3 जोड़ -5/6। तो यहां हमें वितरण नियम का प्रयोग करना है, मतलब -3/4 को एक बार 2/3 से गुना करना है और दूसरी बार -5/6 के साथ गुना करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है -3/4 गुना 2/3 जोड़ -3/4 गुना -5/6। तो -3/4 गुना 2/3 को हल करेंगे तो यह हो जाएगा ऊपर ऊपर गुना करने पर -3 * 2 = -6 और नीचे नीचे गुना करेंगे 4 * 3 = 12। प्लस का साइन दिए, अब -3 * -5 को करेंगे तो हो गया 15 और नीचे 4 * 6 करेंगे तो हो गया 24। तो 15/24, अब 12 और 24 का लघुतम समापवर्तक ले लेंगे जो कि होगा 24। अब -6/12 के 12 से जब हम 24 को भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा और उस 2 को जब -6 से गुना कर देंगे तो हो गया -12। जोड़ का निशान देंगे, अब 15/24 के 24 को जब भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, अब उसे को 15 से गुना कर देंगे तो वह होगा 1 * 15 = 15। अब -12 * 15/24 हमें प्राप्त हुआ। यहाँ हम 12 में से जो है 15 में से 12 को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 3/24 और बड़ी संख्या यहाँ पर 15 था, अतः उसका निशान प्लस वाला ही रह जाएगा और प्लस के निशान को हम लिखते नहीं है, अतः हमारा जवाब प्राप्त हुआ 3/24। यहाँ 24 जो है 3 से कट रहा है, 8 बार में हम उसे काट देते हैं और इस प्रकार जो प्राप्त हुआ वह है 1/8 और यही हमारा जवाब है। दूसरा नंबर में है 5/6 गुना ब्रैकेट में -2/5 जोड़ 3/10। यहाँ पर भी हम वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, 5/6 को एक बार -2/5 से गुना करेंगे और दूसरी बार 3/10 से गुना करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। अब 5/6 गुना -2/5 को पहले हर करेंगे तो 5 और -2 को गुना करेंगे तो यह हो गया -10 और नीचे 6 और 5 को गुना करेंगे तो हो गया 30। बीच में है प्लस का निशान तो हमने दिया, अब 5/6 * 3/10 को हल करेंगे तो 5 और 3 को गुना करेंगे तो वह हो गया 15 और 6 और 10 को गुना करेंगे तो वह हो गया 60। अब -10/30 जोड़ 15/60 को हल करेंगे,
30 और 60 का लघुतम समापवर्तक तो किया 60। अब माइनस 10 बटा 30 के 30 से जब हम 60 को भाग देते हैं तो दो बार में कटेगा और उस दो से माइनस 10 को गुना करेंगे तो यह हो गया 20 माइनस 20। जोड़ का निशान है, बीच में हमने जोड़ का निशान दिया। अब 15 बटा 60 के 60 से जब 60 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, अब उस एक से 15 को गुना करेंगे तो 15 आएगा। अब 20 में से 15 को घटाएंगे तो प्राप्त होगा 5, और चूंकि 20 बड़ा है तो उसका चिन्ह जो है माइनस में, तो हम 5 के पहले माइनस लगा देंगे, बटा में आया 60। 60 जो है 5 से कटेगा, 12 बार में हम उसे काट देते हैं और इस प्रकार जो हम संख्या में प्राप्त हुआ वह है माइनस 1/12, और यही हमारा जवाब है। नौवें नंबर सवाल में है, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब से उचित नियम से मिलाएं। यहां पर हमें कॉलम अ और ब को मिलाना है, तो पहली वाली जो संख्या है उसे हम कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। दूसरा वाले में जो हल दिया हुआ है उसे हम कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। तीसरे वाले में जो दिया हुआ है उसे हम कहते हैं योग का सहचर्य नियम। चौथे नंबर में जो दिया हुआ है उसे हम कहते हैं संवरक नियम। पांचवें नंबर में जो दिया हुआ है उसे हम कहते हैं गुणा का सहचर्य नियम। छठे नंबर में जो दिया हुआ है उसे हम कहते हैं योज्य तत्समक। सातवें नंबर में जो दिया हुआ है उसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। आठवें नंबर में जो दिया हुआ है उसे हम कहते हैं वितरण नियम, और नौवें नंबर में जो दिया हुआ है उसे हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, और अंत में दसवें नंबर पर जो दिया हुआ है उसे हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करो और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।